दिल्ली का कश्मीरी गेट एक से बढ़कर एक नगीनों को समेट कर बैठा है। मुगलिया सल्तनत के दौर की ये जगह अंग्रेजी हुकूमत के काल में भी पसंदीदा बनी रही। यही वजह है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का पहला चर्च बनाया और सिविल लाइंस जैसा शानदार इलाका भी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के इसी इतिहास को संजोने और आप तक पहुँचाने के मकसद से ट्रैवल जुनून ने इस जगह की सैर की और क्या क्या हमारे हाथ लगा जहाँ जहाँ हम पहुँचे वह आप तक लेकर आए हैं। कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के इतिहास को जानने की शुरुआत करते हैं कश्मीरी गेट दरवाजे से। कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो का ऐसा गोल चक्कर है जहां 6 पटरियां मिल जाती हैं। इसी कश्मीरी गेट पर मेट्रो स्टेशन से बाहर दिल्ली के इतिहास का झरोखा आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है। इतिहास के इस कैनवस में सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत के किस्से ही दर्ज नहीं हैं बल्कि मुगलिया सल्तनत की कहानियाँ भी तैर रही हैं। कैमरा तो सिर्फ कुछ पलों को ही कैद कर पाता है लेकिन इस दरवाजे ने 186 साल के टाइम लैप्स को कैद कर लिया है। कभी फौजी बूटों और जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों की गूंज का गवाह रहा ये दरवाज़ा आज भी शान से खड़ा है। कश्मीरी गेट की चौखट से हर रोज़ कितने ही लोग गुजर जाते होंगे इसे बिना देखे। इनमें से कितनों को पता होगा कि जिस कश्मीरी गेट पर वो मौजूद हैं उसे इसी दरवाजे से पहचान मिली है। पिछले हिस्से में आपको लग्जरी टूरिस्ट बसें खड़ी दिख जाएंगी जो हर शाम मनाली शिमला जैसे शहरों के लिए निकलती हैं। दिल्ली से दूर जाने वाले टूरिस्टों ने क्या कभी दिल्ली के इस चिराग को ध्यान से देखा होगा ये बड़ा सवाल है। आज खामोश खड़ा ये दरवाज़ा कितनी ही जंग कत्लेआम शहंशाहों और उनके बनते बिगड़ते दौर का गवाह रहा है। कश्मीरी गेट दरवाजे को 1835 में मिलिट्री इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने बनवाया था। इसे कश्मीरी गेट क्यों कहा गया ये भी जान लेते हैं। दरअसल तब दिल्ली यहीं तक हुआ करती थी और इसके बाद यमुना नदी का इलाका था। कश्मीरी गेट से निकलकर उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता कश्मीर तक जाता था इसीलिए इसे कश्मीरी गेट का नाम दिया गया। इस दरवाजे की एक और खासियत है और वो ये कि दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक दरवाज़ों में से ये एकमात्र ऐसा दरवाज़ा है जिसमें आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हुए थे। 1857 की क्रांति में मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करने वाली आंदोलनकारियों की टुकड़ी ने सबसे पहले इसी दरवाजे पर कब्जा किया था। हालांकि 14 सितंबर 1857 के दिन अंग्रेज़ों ने तड़के इस दरवाज़े पर भीषण हमला किया और इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस जंग से गेट को खासा नुकसान पहुंचा। उस लड़ाई की कहानी और ब्रिटिश सैनिकों के नाम आज भी यहां पर दर्ज हैं। इसके लिए अब नई शिलापट्टिका भी लगा दी गई है हालांकि पुरानी अब भी मौजूद है। कश्मीरी गेट परिसर के अंदर मौजूद बैरकें आज भी यहां पर हैं। मैंने इसके दीवार को छूकर उस बीत चुके दौर का एहसास लेने की कोशिश की जो इस दरवाजे को छूकर गुजर चुका है। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में ये दूसरा नाम है। अब इस रास्ते को जानने की बारी है। ये रास्ता निकलसन रोड कहलाता है। कश्मीरी गेट से निकलकर दाईं तरफ मुख्य सड़क से एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है। यह रास्ता आधा किलोमीटर लंबा है और यह कश्मीरी गेट को मोरी गेट से जोड़ता है। सड़क की एक तरफ शाहजहानाबाद शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार है जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था और दूसरी तरफ ऑटो पार्ट्स और बिजली के सामान की दुकानें हैं। मेरठ से आए हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों ने कश्मीरी गेट के इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये जंग 14 सितंबर 1857 की सुबह निर्णायक दौर में पहुंच गई। अंग्रेजी सेना ने पूरी ताकत से कश्मीरी गेट पर नियंत्रण लिए आंदोलनकारियों पर धावा बोल दिया। इस जंग में निकलसन को गहरी चोट आई और वह इसी सड़क पर छिप छिप कर कुछ दूर तक आगे भागता रहा। वह यहाँ कई मर्तबा गिरा भी। हालांकि इस लड़ाई में जीत अंग्रेज़ों की हुई लेकिन निकलसन बच नहीं सका और 23 सितंबर 1857 के दिन उसकी मौत हो गई। जॉन निकलसन बेहद प्रतिभाशाली था। नवभारत टाइम्स के अपने लेख में अमिताभ सह बताते हैं
कि उसकी काबिलियत ऐसी थी कि उसने फौज के 3 रैंक एक ही झटके में जंप कर दिए और कैप्टन से ब्रिगेडियर बन गया, जबकि आम तौर पर तब कैप्टन को ब्रिगेडियर बनने में 15 साल का वक्त लग जाता था। जॉन निकल्सन मूलतः आयरलैंड का था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी अफसर था। मौत के वक्त उसकी उम्र महज 34 साल थी और वह अविवाहित था। जॉन निकल्सन नज़दीक ही ब्रिटिश काल में बनाए गए कब्रिस्तान में दफन है। कब्रिस्तान का नाम भी निकल्सन कब्रिस्तान ही है। रिड्स सिनेमा। कश्मीरी गेट के इतिहास की तीसरी कड़ी में जो नाम है वो है रिड्स सिनेमा का। निकल्सन रोड से वापस निकलने पर कश्मीरी गेट के ठीक सामने है रिड्स सिनेमा। रिड्स सिनेमा दिल्ली का सबसे पुराना फिल्म थिएटर है, जिसमें आज भी फिल्में चलती हैं। मल्टीप्लेक्स का दौर आज आया है, लेकिन कभी कश्मीरी गेट पर शान से खड़ा रिड्स सिनेमा दिल्ली की शान हुआ करता था। ये कश्मीरी गेट दरवाजे के ठीक सामने है। 1923 में जब ये चालू हुआ तब इसका नाम रिड्स नहीं बल्कि कैपिटल था। इसमें मूक फिल्में भी चला करती थी। 1942 में इसका नाम बदलकर रिड्स कर दिया गया। तब इसके मालिक थे जगत नारायण सेठ, उन्होंने बागडोर संभालते ही इसका नाम बदल दिया। तब रिड्स में रिलीज फिल्मों में सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म संसार थी। तब फ्रंट की बाहरी बनावट आज से बिल्कुल अलग थी, महलनुमा लुक था और छत पर आसपास 2 छतरियां बनी थी। भीतर जाने के लिए 3 गेट थे जो आज भी हैं। साल 1960 में फ्रंट को प्लेन लुक दिया गया। अब तक एक या दो बार पेंट का रंग ज़रूर बदल गया है। रिड्स की खासियत ये थी कि यहाँ औरतों के लिए स्पेशल सीटें रिजर्व हुआ करती थी। 60 के दशक में मुस्लिम औरतें दरियागंज और चांदनी चौक से तांगे की सवारी करती रिड्स पहुँच जाया करती थी। तब 10 आने करीब 62 पैसे की टिकट के लिए औरतों से 125 वसूल किए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था ये भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहाँ सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती थी। पुरानी दिल्ली के जगत, जुबली, कुमार, मैजेस्टिक सिनेमा हॉलों की बजाय रिड्स में औरतें खुद को ज़्यादा महफूज समझती थी। 60, 70 और 80 के दशक तक जिस रिड्स पर फिल्में देखना और फिर नज़दीक ही खैबर रेस्टोरेंट में डिनर करना स्टेटस का सिंबल समझा जाता था, वो रिड्स आज ऐसा लगा जैसे अपनी वीरानी पर गमगीन हो। अंदर हमें एक भी शख्स नहीं दिखा। बहुत पता करने पर ये तो पता चला कि वहाँ सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन हमें वो सफाई कर्मी भी कहीं दिखाई नहीं दिया। हैप्पी स्कूल, महल सराय। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में चौथा नाम है हैप्पी स्कूल का, जो महल सराय में चलता है। हम बढ़ चले थे कश्मीरी गेट के बड़ा बाजार की तरफ। यहाँ की एक गली में है महल सराय और इसी महल सराय में 1939 से एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम है हैप्पी स्कूल। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत पसीना बहाया। एक बुजुर्ग शख्स ने जानकारी दी जिसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ चलता तो है स्कूल, लेकिन पूरा महल सराय आज भी सराय जैसा ही लगता है जहाँ कभी मुसाफिर ठहरा करते थे। गली के बाहर दीवार पर लगे पत्थर पर उर्दू में धर्मशाला लिखा है और लिखा है श्रीमती बहू कीता देवी, लेकिन ज़्यादातर लोग महल सराय ही पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां अपने नवाब मेहमानों को यहीं ठहराते थे। यहाँ पर घोड़े, बग्घी बांधने के लिए तबीला भी हुआ करता था। करीब 1000 वर्ग फुट में फैले महल सराय पर आज भी मुगलिया झलक दिखाई देती है। मेहराबदार दरवाजे, फूल पत्तियों की नक्काशी, लकड़ी के दरवाजे और गोल रोशनदान भी। आपको एक बार तो ऐसा एहसास होगा कि आप किसी किले में तो नहीं हैं। बालकनियाँ लकड़ी की हैं। बालकनी के लोहे के कलात्मक जंगले आज भी शोभा बढ़ा देते हैं। परिसर में अरसे से कई घर और दुकानें हैं। बीच के हिस्से में हैप्पी स्कूल है जो 1939 से चालू है। स्कूल के फादर बताते हैं कि पहले आसपास रिहायशी इलाका था तो बच्चे पढ़ने आ जाया करते थे, लेकिन अब नाम के ही बच्चे स्कूल में रह गए हैं। किसी क्लास में 2, किसी में 5 और किसी में 15 छात्र हैं। ये स्कूल 10वीं तक का है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे रोशनदानों पर और दीवारों पर रंग रोगन का काम होता दिखाई दिया। दारा शिकोह लाइब्रेरी। कश्मीरी गेट के इतिहास की कड़ी में 5वां नाम है दारा शिकोह लाइब्रेरी का। दारा शिकोह मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के सबसे प्यारे बेटे थे। उन्हें मुग़ल सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता था। अपने पिता की तरह दारा शिकोह ने भी वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई थी। उन्होंने कश्मीरी गेट के पास अपने खुद की एक हवेली बनाई जिसमें प्रसिद्ध दारा शिकोह पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के परिसर के अंदर है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के शांत माहौल में दाखिल होने के बाद एक प्यारा सा रास्ता आपको दारा शिकोह लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाता है। इस लाइब्रेरी की देखभाल दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। इतिहासकार मानते हैं कि राजकुमार की मृत्यु के बाद पुस्तकालय को
मुगल बच्चों की पुर्तगाली अध्यापिका डोना जुलियाना को दे दिया गया था। 18वीं सदी में इसे नवाब सदरजंग ने खरीद लिया था। उसके बाद परिसर को बाद में सर डेविड वुडचटर लोनी के कब्जे वाले ब्रिटिश निवास में बदल दिया गया। इसके बाद परिसर को नगर निगम के स्कूल में तब्दील कर दिया गया। हालांकि बाद में आसपास के मुगल परिसर को अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली को आवंटित किया गया। 2011 में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पुस्तकालय को एक राज्य संग्रहालय में पुनर्निर्मित करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के साथ सहयोग किया। इस वक्त इस लाइब्रेरी का काम चल रहा है और यहाँ किसी भी तरह की पुस्तक नहीं है। कश्मीरी गेट के इतिहास से जुड़ी हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प और नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।